नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार है। मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। पिछले 12 साल से मैं इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड से जुड़ा हूँ और इस कोर्स के माध्यम से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने का मुझे मौका मिला है। इस मॉड्यूल में हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे आईटी एसेट्स, उनके ऊपर थ्रेट और इस थ्रेट से उभरने वाले रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क को ज़ीरो नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, रिस्क हमेशा रहेगा, पर उसको कितना कम किया जा सकता है ये हम थोड़ा इसके ऊपर टच करेंगे। इस मॉड्यूल का उद्देश्य, पहले हम जानेंगे कि हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या होते हैं, किन चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन एसेट्स मानते हैं, उनमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या कमियों की वजह से हमारी आईटी एसेट्स के ऊपर मुसीबत आ सकती हैं, और इस आने वाली मुसीबत को हम कैसे मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट कितने प्रकार का होता है हम ये भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मॉड्यूल में और एक एक चीज़ करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या हैं। कोई भी चीज़ जब हम रिस्क मिटिगेट के लिए जा रहे हैं, रिस्क को कम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर हमको रिस्क कम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको अपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हमारे एसेट्स क्या हैं, हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो इन सब को हम सबसे पहले हम इनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम इनकी काउंटिंग करते हैं कि हमारे पास इतने पीसीज, हम इतने हमारे पास लैपटॉप्स, स्विचेस, राउटर्स, जो भी हमारा हार्डवेयर है, हम इनकी एक बार इन्वेंट्री लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम चाहेंगे कि सबको शेयर करें, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी ऐसी होती हैं जो कि किसी को ना पता चले, तो इसी दो एक्सट्रीम्स के बीच में हम सारी इन्फॉर्मेशन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इस स्कीम को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंफॉर्मेशन एसेट्स है वो है हमारा डेटाबेस, एम्प्लॉयज डेटा, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में डेटा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमने कई सालों से स्टोर करके रखी है, जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है, पर हमारे पास टेप्स में, सीडीज में, सेकेंडरी मीडिया पे हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है, ये भी हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स का हिस्सा है। इन सब की हमको अकाउंटिंग रखनी होगी। अगर नहीं रखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ से लीक हो गई और हमको पता भी नहीं चला। दूसरे इंफॉर्मेशन एसेट्स इसी के अंडर में आएंगे, कॉन्टिन्यूटी प्लान्स। आपका अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई सिस्टम फेल हो जाता है किसी भी रीज़न से, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको आप आगे कैसे ले जाएंगे बिना अपना बिजनेस बंद किए हुए। हम अपना बिजनेस कैसे चलते रहना चाहेंगे कि बिज़नेस चलता रहे, हमारी कंटिन्यूटी ना टूटे, तो ये बिज़नेस प्लान भी जो हमारे हैं वो इंफॉर्मेशन एसेट्स का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एसेट्स, जैसे कि हमने लाइसेंसेस लिए, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस खरीदे गए, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंसेस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस हैं, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर एसेट्स में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों को हम सॉफ्टवेयर एसेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब आते हैं हमारे फिजिकल एसेट्स।
सबसे पहले हमारा एसेट्स है कंप्यूटर इक्विपमेंट और लैपटॉप्स, सर्वर्स, डेस्कटॉप्स, जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारी, टैब्स, जो भी आप इसमें देख सकते हैं, उन सबको हम फिजिकल एसेट्स की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा इसी कैटेगरी में आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, राउटर, स्विचेस, जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, योर वायर्ड मीडिया, ये सब फिजिकल एसेट्स में काउंट करेंगे इनको। पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मेजर इशू आज की तारीख में जो हमारे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में है, अगर आपकी पावर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है तो कोई बिजनेस आगे नहीं चल सकता, ये सबको मालूम है। बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ मानी जाती है, बट फर्नीचर और फिक्स्चर्स भी हमारे फिजिकल एसेट्स का हिस्सा है, इन सब की भी अकाउंटिंग हमको रखनी होती है। तो व्हेन वी से वी वांट टू आइडेंटिफाई आवर एसेट्स, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल आवर इंफॉर्मेशन एसेट्स, आवर सॉफ्टवेयर एसेट्स एंड आवर फिजिकल एसेट्स। और इसके साथ साथ जो बचे हैं एसेट्स में, वो होते हैं हमारी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इक्विपमेंट है उसका कोई ना कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम किसी को देंगे। कुछ भी सर्विसेज, कोई साफ सफाई है, सर्वर रूम के अंदर की साफ सफाई है, वो भी हमारे एसेट्स का ही हिस्सा है। मेंटेनेंस इज वेरी मच पार्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एसेट्स। हर एसेट को हमें वैल्यू करना होगा कि आज की तारीख में हमारे पास एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू फाइनेंशियल टर्म्स में क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, 6 महीने में पूरा उलटफेर हो जाती है। जो आज सिस्टम प्रोसेसर आएगा उसका नया मॉडल या नया वर्जन हमेशा 6-7 महीने में लॉन्च हो जाता है, और ये कहा जाता है कि 5 या 7 साल में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। तो जब तक हम अपने एसेट्स को फाइनेंशियल वैल्यूएशन नहीं रखेंगे, तो हम अपने सारे एसेट्स का लाइफ साइकिल मैनेज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो हार्डवेयर हो और या फिर सॉफ्टवेयर हो। मीन्स जब तक OEM इसकी सपोर्ट दे रहा है, जब तक हमारे हार्डवेयर के स्पेयर्स मार्केट में मिल रहे हैं, तब तक हम उस एसेट को अपने पास मेंटेन कर पाएंगे। इसको बोला जाता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ आवर एसेट्स। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ, कि इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एसेट्स, इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं, उनको किस तरह से उनका हम क्लासिफिकेशन करें ताकि उनकी अच्छे से रक्षा हो सके। तो इसको क्लासिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कितना उसको गुप्त रखा जाना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी एसेट को कितना गुप्त रखा जाना है, कॉन्फिडेंशियलिटी किस लेवल की आपको चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। उसकी वैल्यू क्या है, कितने टाइम तक चाहेंगे आप उसको सिस्टम या इंफॉर्मेशन या एसेट वो क्लासिफाइड रहे। कुछ चीज़ें होती हैं जब उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है तो उनको डीक्लासिफाई कर दिया जाता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, टाइम बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। एक्सेस राइट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस हायरार्की लेवल पे कौन आदमी किस एसेट्स को किस फॉर्म में यूज करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा एक्सेस राइट्स क्राइटेरिया पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब एसेट्स हमारे बिल्कुल लाइफ साइकिल खत्म हो गया, मेंटेनेबल नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो उसके बारे में हम इनको डिस्ट्रक्ट करेंगे या हम इसको प्रिजर्व करना चाहेंगे, इसकी टाइम ड्यूरेशन जानना ही बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस की क्या कैटेगरी है। कॉन्फिडेंशियल, इस कैटेगरी में आने वाले एसेट्स, इंफॉर्मेशन एसेट्स, वो एक मैनेजमेंट हायरार्की के पास ही रहेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
हर आदमी के पास जो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो लीक अगर हो जाए, या तो आपके बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि एक इन्फॉर्मेशन एसेट्स को आपने डिफाइन कर दिया कंपनी ओनली, कि हमारी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इसके बारे में जानेंगे, हम इसको बाहर नहीं शेयर करेंगे। और अगली कैटेगरी हमारे पास आती है शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, जिसको हम शेयर कर सकते हैं जरूर पढ़ने पर ऑन डिमांड, वो इन्फॉर्मेशन हम बाहर वालों को भी दे सकते हैं, और जब तक पूछी ना जाए वो जानकारी बाहर किसी को देनी नहीं है और बाहर वाले के हाथ में पड़ना नहीं चाहिए। एक है सबसे लीस्ट कैटेगरी, लीस्ट प्रायोरिटी की इन्फॉर्मेशन, जो कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाहर का आदमी जाने। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन ब्रोशर, जो कि एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में और किसी भी पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक बार ये डिसीजन हो जाए कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसको शेयर्ड रखना है और किसको हमें अनक्लासिफाइड रखना है, तो उसके बाद हमारे पास टास्क आता है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इसके बाद हम असेस करते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं और उन वल्नरेबिलिटीज और वीकनेस की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या थ्रेट्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो थोड़ा हम जानेंगे कि वल्नरेबिलिटी टर्म है क्या। ये वो वीकनेसेस हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक रिस्क में एक्सपोज कर सकती हैं। जब हम सिस्टम बनाते हैं, कोई भी सिस्टम, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, तो डिज़ाइन के समय हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को कोशिश करते हैं सोचा जाए, पर कोई ना कोई छूट जाती है, मे बी एट टाइम्स इट इज़ इंटेंशनल। तो इन सब कमियों को हम बोलते हैं कि इसमें वल्नरेबिलिटीज आ गई। फॉर एग्जांपल, आपने एक बड़ा जो मेन गेट है वो ग्रिल डोर, बड़ा लोहे का भारी सा गेट लगा दिया, और ग्राउंड फ्लोर पर ही आपने एक शीशे की खिड़की जिसमें ग्रिल भी नहीं है वो लगा दी। तो ये शीशे की खिड़की जो है, जो कि आराम से किसी हैवी हैमर से या किसी और से तोड़ी जा सकती है, तो भले ही जो इंट्रूडर है वो मेन गेट से ना आए, पर वो शीशे की खिड़की तोड़ के आ सकता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप ये वल्नरेबिलिटीज़ और इससे पैदा होने वाली थ्रेट्स को समझ सकें। अब जो थ्रेट के बारे में आप ऐसे समझें, जब वल्नरेबिलिटीज़ हो गई तो कोई इनको, इंट्रूडर, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और जो इंट्रूडर इसको एक्सप्लॉइट करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। हमने देखा है कि किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड। थ्रेट इज समथिंग मे और मे नॉट हैपन। हो सकता है कि थ्रेट है आपको और कभी कोई इसकी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ना हो, पर हमेशा ये कोई ना कोई पोटेंशियल कारण रहेगी कि कभी ना कभी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत सीरियस डैमेज की तरफ ले जा सकती है। ये थ्रेट्स, अगर हमने वल्नरेबिलिटीज को प्लग इन नहीं किया, ये कितने प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले फिजिकल डैमेज, फायर, वाटर और पोल्यूशंस। फिजिकल एसेट्स को हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होता है फायर, फ्लड्स और पोल्यूशन इफेक्ट से। आपने देखा होगा कि जो भी एयर कंडीशनिंग प्लांट्स कोई नाले के बगल में या किसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के बगल में लगाए जाते हैं, तो उनकी कॉपर पाइपलाइंस खराब हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसी तरह से आप लो लाइंग एरिया में अपना अगर डेटा सेंटर बना दें या अपने इंफॉर्मेशन एसेट्स रख दें और पानी की निकासी ठीक से नहीं है,
तो पॉसिबिलिटी है कि जब भी बरसात हो या पानी जमा हो या बाढ़ आ जाए तो आपका सारा सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। फायर बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर सिस्टम में हम फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर हैंडलिंग अप्लायंसेस हम क्यों रखते हैं। नेचुरल इवेंट्स दे आर ऑल्सो थ्रेट्स। क्लाइमेटिक, एसी फेल हो गया, आपके इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग रेंज 30 डिग्री 35 डिग्री है, उसके बाद जैसे ही आप एसी प्लांट काम करना बंद कर देता है इक्विपमेंट मिसबिहेव करने लगता है। भूकंप आ जाए, सिस्मिक, वो तो सबने पता ही है, सबको सबने देखा ही है। वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ज्वालामुखी आपके आसपास हैं, फट जाए, इनसे होने वाले नुकसान को हम नेचुरल इवेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक और बड़ी थ्रेट है लॉस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, पावर सप्लाई फेलियर, एयर कंडीशनिंग फेलियर, और आप अगर लीज लाइन लेकर के काम कर रहे हैं, आपका पूरा नेटवर्क जो है लीज लाइन के थ्रू आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, और मान लिया वो लीज लाइन ख़राब हो जाती है या पावर सप्लाई फेल हो जाती है, आपके जेनसेट भी फेल हो जाते हैं, आपके यूपीएस भी चले गए, तो क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम नॉन यूजेबल हो जाता है। एयर कंडीशनिंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके इक्विपमेंट की एक ऑपरेटिंग रेंज होती है जिसमें वो बेस्ट ऑपरेट करता है। आप राजस्थान में ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में आपका इक्विपमेंट अचानक से मिसबिहेव करना लगेगा अगर आपकी एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है डेजर्ट एरियाज में और एक्सट्रीम क्लाइमेट एरियाज में। इसी तरह से एयर कंडीशनिंग लोअर टेम्परेचर, आपके इक्विपमेंट का एक लोअर रेंज भी होती है। हर जगह आप कोई भी डेटा शीट उठा के देखेंगे उसमें लिखा होगा 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स आप अगर उस इक्विपमेंट को सब जीरो टेम्परेचर में ऑपरेट करेंगे तो वहाँ भी इक्विपमेंट इरेटिक बिहेव करेगा। तो इक्विपमेंट का बेस्ट बिहेवियर गारंटीड जो है वो उसकी एक ऑपरेटिंग रेंज में दिया हुआ है जिसके लिए वो टेस्ट हो चुका है। तो ये बात बहुत हमको ध्यान में रखनी है जब हम थ्रेट्स का हम असेसमेंट करते हैं। कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने फिजिकल एसेट्स देख लिए, कोई हमारे इंफॉर्मेशन को, कोई वायर के ऊपर गैजेट्स हैं जिनको आप लगा दें तो आप वायरलेस से इंफॉर्मेशन को टैप कर सकते हैं। मीडिया चोरी हो गया, आपकी हार्ड डिस्क चोरी हो जाए, आपकी सीडीज हो सकता है कोई उठा के ले जाए, आपके कचरे के ढेर से, देर आर पॉलिसीज इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी आपका प्रिंटआउट्स हैं जो ख़राब हो गए हैं उनको आप डिस्ट्रॉय करेंगे, श्रेड करेंगे, आप ऐसे ही फेंक दें तो जो कचरेदान है हमारा वो इंफॉर्मेशन लीक का एक सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। टेक्निकल फेलियर्स, आपके इक्विपमेंट ख़राब हो जाए, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस कंप्यूटर के थ्रू लॉग इन करते हैं और सारा बिजनेस कंट्रोल करते हैं वो कंप्यूटर ही ना काम करे तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होने वाली है। आपने सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया, उसमें बग आ गया, वो क्रैश हो रहा है बार बार, वो भी आपका बिजनेस अफेक्ट करेगा, ये भी एक थ्रेट है। आपकी कैपेसिटी सेचुरेट हो गई। कैपेसिटी सेचुरेशन का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो वो है धनतेरस के समय, दिवाली के आसपास गोल्ड की बहुत सेल होती है और उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो सडनली जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि उसे चल सेचुरेट हो जाता है, और उसके बाद नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के बाद वो हैंग कर जाएगा, फिर आपका बिजनेस रुक गया। रेलवे की साइट जो पुराने लोग यूज़ करते रहे हैं, IRCTC, उन्होंने देखा होगा कि जब आपको तत्काल टिकट लेना है तो आपको लॉगिन ही नहीं मिलेगा। अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट है और बहुत इसके ऊपर तवज्जो दी गई है, आई थिंक सर्विसेज हैव इम्प्रूव्ड अलॉट, बट देर वॉज अ टाइम कि जब आपको रेलवे टिकट बुक करना है आपको लॉगिन मिलता ही नहीं था। तो ये कैपेसिटी सेचुरेट भी एक अपने आप में थ्रेट है। कंप्रोमाइज ऑफ फंक्शंस, जब आप यूज़ कर रहे हैं उसके में अंदर बार बार एरर्स आई जा रही है, आपने एनवीसाइज ही नहीं किया,
कि ये एरर आ सकती है, ये एरर आ गई तो इसको कैसे हैंडल करना है, जब भी हमने सिस्टम डिज़ाइन किया. एब्यूज ऑफ राइट्स, डिनाइल ऑफ एक्शन, बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में. आपको राइट्स दिए गए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राइट दिए गए, और आपने सारा डेटा कॉपी करके आगे पास ऑन कर दिया. ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है, इनसाइडर थ्रेट जिसको बोला करते हैं. एक्सीडेंटल, पहले भी डिस्कस किया हम, इक्विपमेंट फेलियर और आपके सॉफ्टवेयर फेलियर. और एनवायरमेंटल, वोल्केनिक इरप्शन, सिस्मिक प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ पावर सप्लाई, इन सब से होने वाले प्रॉब्लम्स को, थ्रेट्स को हम कैसे मैनेज करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको एक कैटेगरी में डालते हैं, बोलते हैं जिसको रिस्क. रिस्क कैन ओनली बी मैनेज्ड. रिस्क मैनेजमेंट के अंडर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क है क्या, और क्या हम रिस्क को पूरी तरह से मिटा सकते हैं. रिस्क को मैनेज करने का प्रोसेस क्या है. तो सबसे पहले हम रिस्क को एसेस करते हैं, और जब हम एसेस कर लेते हैं तो रिस्क को हम फिर मिटिगेशन, हम टेक्निक्स ढूंढते हैं. प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, सबसे पहले हम रिस्क एसेस करेंगे. इस प्रोसेस में हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क हो सकता है, और उनको प्रायोरिटी वाइज हर फैक्टर्स के जो भी हमने पहले डिस्कस किए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेगुलरली हम मॉनिटर करते रहेंगे टाइम टू टाइम. हमारा काम आइडेंटिफिकेशन के बाद ख़त्म नहीं हो जाता. आपको प्रायोरिटी बनानी होती है कि किसको हम पहले मिटिगेट करें, कौन सा रिस्क जो है आइडेंटिफाई होने के बाद इमीडिएट अफेक्ट कर सकता है, और कौन सा जो फैक्टर है वो हो सकता है इमीडिएट ना करे बट इन लॉन्ग रन तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा. मॉनिटर करते रहना पड़ेगा हम सब फैक्टर्स को. फिर हमें साथ ही साथ इनकी मिटिगेशन मेथोडोलॉजी भी ढूंढनी पड़ेगी, और कंट्रोल मैकेनिज्म लगाने होंगे कि अगर ये हो गया, जो हमने मिटिगेशन टेक्निक लगाई वो कितनी इफेक्टिव है. आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा लिए, पर हो सकता है कोई इंटेंशनल इंट्रूडर हो जो उसका भी तोड़ निकाल ले. वी पीपल आर वेरी गुड इन फाइंडिंग आउट ब्रेक ऑफ एनी मेजर्स टेकन. तो टाइम टू टाइम जो भी हमें मिटिगेशन टेक्निक्स लगाए हैं उनको हमें रिव्यू भी करते रहना होगा. ऐसा नहीं कि जो आज हमने टेक्निक लगाई है वो पूरी तरह से हमेशा ही कारगर साबित हो. तो रिस्क ट्रीटमेंट और मिटिगेशन के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि रिस्क है क्या, ये रिस्क हो सकता है. उसको जब श्योर हो जाते हैं कि ये हाँ रिस्क है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड कैसे किया जाए. रिस्क अवॉइडेंस इज ऑल्सो अ टेक्निक फॉर रिस्क मिटिगेशन, और उसमें हम जो जो भी हमारे से बन पड़ता है, जो जो भी हमारी समझ में आता है कि इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या क्या हमें मेजर्स लेने हैं, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं. कई बार हो सकता है कि हम रिस्क को पूरी तरह से जीरो ना कर पाए, तो हम उसको कोशिश करेंगे इसको कितना कम किया जा सकता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्क लिमिटेशन. और अगला जो स्टेप आता है इसमें, रिस्क मिटिगेशन में, रिस्क ट्रीटमेंट में, वो है रिस्क प्लानिंग. नॉर्मली आप प्लान पहले लेकर के चलते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट में प्लानिंग कम्स लेटर. पहले आप रिज्यूम करते हैं ये हमारे रिस्क हो सकते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट इनको अवॉइड कैसे करना है, अवॉइड नहीं कर सकते तो इनको लिमिट कैसे कर सकते हैं. और इन सब प्रोसेस में जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि इसके बाद भी रिस्क बनता है, तो फिर प्लान बनाते हैं कि हम आगे आने वाले रिस्क को हम कैसे हैंडल करेंगे. और कई बार तो हम ये मेथोडोलॉजी लगाते हैं कि रिस्क हमसे मैनेज हो ही नहीं पा रहा है, तो हम इसको रिस्क को दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं,
हमको हो सकता है पैसा देना पड़े उसके लिए, वी मे हैव टू पे अ कॉस्ट. इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है इंश्योरेंस. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस रिस्क को हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ रिस्क मिटिगेशन. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल. आई होप ये नॉलेज, जो डिस्कशन हमने किया है, इससे आपको लाभ होगा. और कोई भी आपको इस चीज़ को समझने में, टेक्स्ट को, मटेरियल को समझने में कोई तकलीफ हो, आप UOU की साइट में अपने कमेंट डाल सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपके जवाब दिए जाएं. थैंक यू. विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल.